हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग वेलकम है आपका योद्धा बैच में हम लोग पढ़ रहे थे रूरल डेवलपमेंट पार्ट नंबर सेकंड हमने खत्म कर दिया था अच्छे से आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर थर्ड बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्ट नंबर सेकंड में आपने जो पढ़ा ना रूरल क्रेडिट उसे एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा आए ही आएगा तो अच्छे से उसे लर्न कर लेना सारे हेडिंग्स को और अंदर का अपनी ओन लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो ठीक है स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर थर्ड एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम अब रूरल एरिया में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी करती है अब उन्होंने जो एग्रीकल्चर का आउटपुट देखा है उसको भैया कैसे बेचना है उसमें भी उनको प्रॉब्लम है पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही था कि वो लोग बैंक से लोन कैसे लें फिर जैसे तैसे पैसे उन्होंने जुगाड़ करके खेती बाड़ी करी अब प्रॉब्लम ये है कि उसको सेल कैसे करें तो एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम क्लास सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें थ्रू विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रीच टू आर टेबल कुल मिला के एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम एक वो तरीका है एक वो सिस्टम है जिसके थ्रू क्लास वहां से अनाज हमारे टेबल तक पहुँचते हैं आज अगर हम अपने यहाँ पे सब्जी रोटी चावल खा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसानों के पास से यहाँ तक आया है तो उनके यहाँ से यहाँ तक आने में जितना भी प्रोसेस लगा जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हुए उस स्टेप्स को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर असेंबलिंग स्टोरेज प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्टेशन पैकेट डाल पैकेट में डालना अलग अलग क्वालिटी के बेसिस पे ग्रेडिंग करना अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन करना अलग अलग एग्रीकल्चर कमोडिटी को ऑल ओवर द कंट्री अर्बन एरिया में खेती बाड़ी ना के बराबर होती है तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक पहुंचेगा कैसे अनाज उस सिस्टम को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम किसान जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्लास फेस कर रहे थे मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर प्रायर द द इंडिपेंडेंस सफर फ्रॉम फॉल्टी वेइंग अब क्या करते थे किसान का जो आउटपुट आया वो किसान इतने पढ़े लिखे समझदार थे नहीं खेती बाड़ी करते थे वो लोग तो उनका नॉलेज इतनी थी नहीं तो ये क्या करते थे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है ना जो किसान से अनाज खरीद के उसको पैकेट में डाल के असम्बल करके ग्रेड करके हमें बेचते हैं तो वो लोग क्या करते थे बहुत कम फॉल्टी वेइंग करते थे गलत वजन लाइक उनका पाँच टन का है तो उनको साढ़े चार टन के पैसे दे दिए कि भाई जैसे चुंबक लगा के छोटे छोटे लेवल पे किया जाता है ना वजन का हेर फेर उस तरह से बड़े लेवल पे करते थे प्रायर टू इंडिपेंडेंस फार्मर सफर्ड फ्रॉम फॉल्टी वेइंग एंड मैनुपुलशन ऑफ अकाउंट्स वाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू ट्रेडर तो जो ट्रेडर है उनके अकाउंट्स में मैनुपुलेट करते थे और साथ में फॉल्टी वेइंग भी करते थे गलत वजन करते थे दूसरा है लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन अब जो किसान है उन्हें मार्केट का एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मार्केट में अनाज एक्चुअली में कितने का बिक रहा है आज इंटरनेट है आज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रांग है आप कनेक्टिविटी अच्छी है कम्युनिकेशन अच्छा है पता कर लेते हो पहले किसान को लगता था कि भाई ये दो रुपए का ही बिक रहा है बाहर भी बाहर बिक रहा है पाँच रुपए का किसानों को देते एक रुपए का भाव कि भाई दो रुपए का बाहर बिकता है तुम एक रुपए का भाव ले लो तो इस तरीके से क्लास इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसका फ़ायदा ट्रेडर उठाते थे लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी किसान बेचारे बहुत ज़्यादा फंस जाते थे परेशान रहते थे कि भैया आपने सारा अनाज उठा के मार्केट में लिया है अब अगर इसको नहीं बेचेंगे तो स्टोर कहाँ पे करेंगे प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी नहीं जिसकी वजह से किसान को मजबूरन अपना अनाज जिस भी रेट में बेचना पड़े कॉस्ट से कम में बेचना पड़े तो भी वो बेचते थे कि भाई एक लाख रुपये लगा दिए अब अगर अब अस् अस्सी भी मिल रहा है तो क्या है ले लो क्योंकि अगर अस्सी आज नहीं लेंगे तो कल को हमारा अनाज सड़ जाएगा हम स्टोर कहाँ करेंगे ये भी नहीं मिलेगा हमें तो जो है ले लो फार्मर वर बाउंड टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लोअर प्राइस बिकॉज देव आर नो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी टू कीप बैक देयर प्रोड्यूस फॉर सेलिंग लेट एट अ बेटर प्राइस के आगे कल को उसे फ्यूचर में अच्छे प्राइस पे बेचेंगे ऐसा कोई ऑप्शन उनके पास था ही नहीं और इसलिए क्लास में सिखाया था सेल। यानी क्लास पे किसान को अर्जेंट कैश नीड होती है तो मजबूरन वो क्लास सस्ते में भी अपने अनाज को अपनी सब्जियाँ फल फ्रूट बेच देता है क्लास यानी कि वो कहीं ना कहीं सोचता है कि भैया मेरे को जो भी पैसा मिल रहा है मिल जाए नहीं तो सारा सामान सड़ जाएगा सारे फल सारे सब्जियां सड़ जाएंगे मुझे दिक्कत होगी तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल तो अब सरकार ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बेहतर बना जो किसान प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसको बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या किया सबसे पहला काम इन्होंने किया मार्केट को रेगुलेट कर रही रेगुलेट मतलब सरकार के नियंत्रण में आ गया मार्केट जैसे घर के पंखे का रेगुलेटर होता है ना जिससे आप स्पीड बढ़ाते हो कम करते हो स्पीड कंट्रोल करते हो उसी तरीके से जो मार्केट है ना उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और कोऑपरेटिव मार्केटिंग को प्रमोट किया गया डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को प्रमोट किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को रूर एरिया में बेहतर किया गया इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला इसके अंदर रेगुलेटेड मार्केट ये है आपका रेगुलेटेड मार्केट तो रेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या है बेसिकली रेगुलेशन ऑफ मार्केट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन इन रेगुलेटेड मार्केट सेल एंड परचेज ऑफ द प्रोड्यूस इज चेक बाय द मार्केट कमेटी एक मार्केट कमेटी बनाई गई जिसके अंदर सरकार के कुछ लोग किसान के कुछ लोग सरकार के कुछ लोग और कुछ लोग ट्रेडर के मिले रहते हैं सो so दैट ये तीनों मिल के डिसीजन लें कि भाई आज का अनाज कितने भाव में खरीदना है कोई गलत फॉल्टी वेइंग तो नहीं हो रही कोई किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा इन सारी चीजों को चेक करने के लिए कमेटी बनाई जाती है और ये कमेटी ही जो डिसाइड करेगी क्लास उसी प्राइस पे सबको खरीदना पड़ेगा चीजों को ठीक है तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं सरकार के और फार्मर्स के और ट्रेडर्स के द बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर इस पॉलिसी से कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है उनको भी सस्ते दाम में सब्जियां मिल जाता है अनाज मिल जाता है और जो बेचने वाले लोग हैं फार्मर्स उनको भी फ़ायदा होता है तो मार्केट को रेगुलेट कर दिया आप अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस नहीं कर सकते पहले ट्रेडर कहते थे कि हमें भैया इतने में खरीदना है तुम दो नहीं तो अपने घर जाओ भाई किसान घर कैसे चला जाएगा वापस अनाज लेके वो पचास किलोमीटर दूर से अपना सारा अनाज वगैरह बग्गी में भर के लेके आया है वापस कैसे चला जाएगा सड़ जाएगा खराब हो जाएगा स्टोर करेगा आने जाने का खर्चा तो भैया मजबूरन सस्ते दामों में ट्रेडर ग्रुप खरीद लेते थे तो वो चीजें जो क्लास अब खत्म हो गई मार्केट को रेगुलेट करने से इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी रूरल एरिया में स्टोरेज फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी तो उसको सरकार ने बेहतर किया कि देखो सड़कें अगर रहेंगी तो आप अनाज आसानी से आ जा सकते हो ले ले आ सकते हो ले जा सकते हो और अगर स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी रहेगी तो आपका आप सारा जो है ख़राब नहीं होगा जलेगा नहीं सड़ेगा नहीं आप अच्छे से स्टोर कर सकते हो उसको तो एटमॉस्फेयर से बचा सकते हो बारिश से बचा सकते हो प्रॉपर जो है फैसिलिटी वो स्टोरेज की होनी चाहिए गांव में तो वैसे भी कच्चे मकान होते हैं आपको पता है वहाँ पर स्टोर कहाँ से करेंगे तो इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इम्प्रूव इज़ टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एज करंट एग्जिस्टिंग फैसिलिटी सच एज रोड रेलवे वेयर हाउस

कोई कोऑपरेटिव मार्केटिंग मैं अमूल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ क्या होता है गांव गांव में जो किसान रहते हैं जो एनिमल हस्बेंड्री काम करते हैं वो जो भी मिल्क प्रोड्यूस होता है उनका या फिर जो भी दूध निकलता है मतलब गाय भैंस जिससे भी तो उस दूध को ले जाकर अमूल को देते हैं अमूल उसकी टेस्टिंग करता है उसकी प्योरिटी को चेक करता है उसे ग्रेड करता है और ग्रेड करके शहर शहर में क्लास आपको अमूल के आउटलेट स्टोर्स मिल जाएंगे ठीक है तो ये काम है इसका इससे होता है कि किसानों को एक अच्छी इनकम मिल जाती है और ये भी क्लास क्या करते हैं शहर की जो दूध की रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी कर देता है तो ये एक तरीके से क्लास क्या है

मिलके डिसाइड करते हैं कि भाई हम अपना अनाज कितने में बेचेंगे अगर ये हमें कम पैसे देंगे तो हमें से कोई भी अपना अनाज इनको नहीं बेचेगा फार्मर एज अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी बार्गेन वेल फॉर द बेटर प्राइस ऑफ देयर ऑफ देयर प्रोड्यूस जो भी उनके पास आउटपुट है थ्रू कलेक्टिव सेल कि हम सब मिल बेचेंगे सीधी तो सी बात है आप हमसे सस्ते में ले रहे हो में से कोई नहीं बेचेगा आप सौ बोल रहे हो हम एक सौ दस में देंगे आपको नहीं तो हमें से कोई भी आपको अनाज नहीं बेचेगा तो इन्होंने भी ग्रुप बना लिया तो मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात हैव अ वेरी सक्सेसफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुजरात सम ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री जिसको मिल्क का वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं और क्लास उसका एग्जाम्पल क्या है क्लास अमूल वाइट रेवोल्यूशन का ठीक है अगला है डी पी आई डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट सरकार ने किसानों से बोला कि भैया तुम्हारा अनाज तो बिकेगा ही बिकेगा अगर ट्रेडर नहीं लेंगे तो हम तुम्हारा अनाज जो है वो अच्छे दामों पे ले लेंगे हम मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की बॉडी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसके अंदर सबसे पहले आया एम मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर गवर्नमेंट फिक्स द एम एस पी मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक वीट, राइस मिर्च कॉटन शुगर कैन पल्स एससेट्रा सरकार ने क्या बोला कि इन सब चीज़ों की ना एक मिनिमम प्राइस हम सेट कर देते हैं जो कि इक्वलिब्रियम प्राइस से जो है वो ज़्यादा है लाइक सौ रुपये में आप बेच रहे थे हम आपको इसका एक सौ बीस रुपये दाम देंगे और ये मिनिमम है हम तुम्हें तुम्हारे अनाज का कम से कम एक सौ रुपए दाम देंगे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं कोई भी फिगर हो सकता है ये कम से कम है तो तुम्हारा अनाज इससे कम में बिकेगा ही नहीं ये भैया आपका कम से कम है जैसे सामान का प्राइस होता है ना मैक्सिमम रिटेल प्राइस की इससे ज्यादा कोई दुकानदार ले सकता आपसे उसी तरीके से क्लास इसकी भी कीमत होती है इसको बोलते हैं एम या प्राइस सीलिंग भी कहते हैं इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि कम से कम तुम्हें इतने का जो है क्लास अनाज तुम्हारे अनाज की कीमत तुम्हें इतना मिलेगी सच अ प्राइस इज रिगार्डेड एज एन ऑफर प्राइस एट विच द गवर्नमेंट इज विलिंग टू बाय एनी अमाउंट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द फार्मर्स तुम अपना कितना भी अनाज बेचो तुम्हें कम से कम इस भाव से तुम्हें अनाज का पैसा मिलेगा तो किसानों को थोड़ी सेफ्टी मिल गई चलो यार हमारा अनाज का हमें कम से कम इतना तो मिलेगा इससे ज़्यादा मिलेगा तो हम ट्रेडर को बेच देंगे और इतना मिलता है तो हम सरकार को बेच देंगे तो किसान थोड़े से सेफ हो गए इसको बोलते हैं एम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ताकि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके अगर किसानों को इतना परेशान करोगे उनकी इनकम नहीं आएगी तो खेती छोड़ देंगे तो हमारे तक अनाज कैसे पहुँचेगा आप लोग हम लोग सब्जियाँ फ्रूट्स कैसे खाएंगे ये सब चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी ना फिर हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा और इम्पोर्ट करेंगे तो कितना महंगा पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हो उस चीज़ का और ये लाइफ की नेसेसरी चीजें हैं अब सरकार इस पैसे को लेके क्या करेगी सरकार जो है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक सरकार इसका बफर मेंटेन करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो किसान से अनाज खरीदती है ना उसको कोल्ड स्टोरेज में वेयर हाउस में स्टोर करके रखती है कल को नियर फ्यूचर किसी स्टेट में इमरजेंसी आ जाए कहीं सुनामी आ जाए कहीं वॉर छिड़ जाए और या फिर गरीबों को जो राशन बांटना है उसके लिए क्लास सरकार क्या करती है सारा अनाज अपने पास रखे रहती है कि इमरजेंसी में सरकार क्या करेगी इसका यूज़ करेगी द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया परचेज इज वीट एंड राइस एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू मेनटेन बफर स्टॉक एक्स्ट्रा स्टॉक यानी बफर स्टॉक इज क्रिएटेड इन द ऑफ सरप्लस जिस साल पैदावार अच्छी हुई सरकार अपने पास रख लेगी कहीं पैदावार कम हुई तो इसी को क्लास सरकार क्या करेगी सप्लाई करेगी पूरे देश में एंड यूज टू ड्यूरिंग द शॉर्टेज एंड एरिया ऑफ नेचुरल कैलॉमिटी इट हेल्प इंश्योर क्लास रेगुलरिटी इन सप्लाई तो इससे क्या होता है क्लास कि सप्लाई रेगुलेट सप्लाई जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा और प्राइस भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा अगर सरकार का रिजर्व खत्म हो गया मान लो तो फिर क्या होगा प्राइस बहुत बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत अनाज मान लो इस साल उगाए तो अनाज बहुत महंगा बिकेगा अमीरों को फर्क नहीं पड़ेगा बट गरीब लोग जो है वो भूखे मर जाएंगे थर्ड इज़ पी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पता है राशन की दुकान जो होती है है ना दुकानी लाइन बीपीएल सिस्टम इन आर कंट्री ऑपरेट शॉप एंड फेयर प्राइस शॉप जहां पे एक एक रुपए में भी अनाज देती है सरकार तो फेयर प्राइस शॉप जो होता है वो बेसिकली जो एसेंशियल कमोडिटी है kerosene है राइस है वीट है ये देती है जल्दी आजकल दाल दिया जाता है पहले दिया जाता था सिलेंडर जब नहीं थे बट अब सिलेंडर सबके पास है तो सरकार क्या करती है दाल वगैरह है ना चना हो गया ये सब सरकार देती है जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं ना वीकर सेक्शन सोसाइटी उनको सरकार फ्री में राशन बांटती है जैसे अगर आपके पास राशन का कार्ड है तो आपको हर महीने कुछ किलो अनाज दाल ये सब चीज़ें आपको दिया जाएगा ठीक है इसको बोलते हैं पी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये तीनों आता है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ध्यान रखना और पीडीएस तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अब अगला जो टॉपिक है वो क्लास ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल एन ऑल्टरनेटिव वे फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग दैट हैज इमर्ज अब धीरे धीरे किसानों के लिए ना एक ऑल्टरनेटिव वे बना दिया गया एक अलग तरीका खेती बाड़ी करने का वो किस तरीके से क्लास इंटरनेशनल जो कंपनीज है ना एम जो इंटरनेशनल उनके साथ मिलके ध्यान समझना दीज चैनल अपनी मंडी ध्यान रखना अपनी मंडी कहाँ पे एक ला पंजाब हरियाणा राजस्थान में हदासपुर मंडी है पुणे में रिज्जू बाजार जो है वो है वेजिटेबल फ्रूट मार्केट्स आंध्र प्रदेश में उजावर सैंडिस जो है वो तमिलनाडु में है यानी कि एक, एक ऐसी मंडी बनाई गई जहाँ पे किसान डायरेक्टली लोगों को अपना अनाज बेच सकता है पहले किसान ट्रेडर को बेचता था ट्रेडर जो है वो अलग अलग लोगों को बेचता था आज सरकार ने मंडी ऑप्शन बना रखा है मंडी ऑप्शन के थ्रू क्लास डायरेक्टली अपना ट्रैक्टर अपना बग्गी लेके क्लास किसान आता है और क्लास डायरेक्टली लोगों को अपना अनाज बेचता है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडलमैन अ नंबर ऑफ नेशनल और मल्टी नेशनल चेन्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग विद द फार्मर बाई हेल्प देम टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ फॉर्म फार्म प्रोड्यूस प्रोडक्ट बाई प्रोवाइडिंग दम सीड्स एंड अदर इनपुट एट सर्टन प्राइस इन दिस वे बर्गर बनाता है इसके अंदर टमा बर्गर मैकडोनल्ड्स है बर्गर किंग है सब इनको बहुत सारी वेजीज चाहिए बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए टमाटो सॉस बनाने के लिए टमाटो चाहिए तो ये लोग जाते हैं किसानों के पास अब मैगडी के फ्रेंच फ्राइज़ अगर आप देखोगे ना तो मैगडी के फ्रेंच फ्राइज़ जैसा कहीं भी तुम्हें किसी दूसरे का फ्रेंच फ्राइज़ सेम नहीं मिलेगा बट मैगडी चाहे आप उत्तर प्रदेश में हो दिल्ली में पंजाब हरियाणा या असम में हो हर जगह इनके जो फ्रेंच फ्राइज़ का टेस्ट है वो सेम मिलेगा क्योंकि किसानों से बोलते हैं कि हम आपको बीज दे रहे हैं हम क्लाइमेट कंडीशन बता रहे हैं मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं आप खेती करो जमीन आपकी है आप आलू उगाओ और ये आलू क्लास हम लोग लेंगे और आप किसी को और को नहीं बेचोगे और इस आलू से हम लोग फ्राइज़ बनाएंगे ताकि क्लास हमारे जो सारे फ्राइसेस है वो एक जैसा रहे टेस्ट सेम रहे और जो भी उनका नो हाव है खाना बनाते कैसे हैं या जो पकाते कैसे हैं स्टेप्स क्या हैं वो इनको पता है वो किसी को लीक नहीं हो सकते तो वो सारी चीज़ें क्लास इनको पता होंगी और वो सेम चीज़ बना के मार्केट में बेचेंगे तो इससे क्या होता है किसानों को डायरेक्टली इनसे पैसा मिल रहा है अच्छी खासी रकम मिल रही है जो ये बोल रहे हैं उसको उगाने का नॉट ओनली क्लास पटाटो टमाटो कैबेज हो गया ठीक है रेडिश हो गया जो भी अलग अलग चीज़ें ये लोग उगा रहे हैं इनको अच्छा खासा पैसा ये लोग देते हैं तो एक एक्स्ट्रा इनकम जो है फार्मर के लिए जनरेट हो जाता है और प्राइस रिस्क जो है कल को अगर सरकार ने नहीं लिया हमसे या कोई प्रॉब्लम हुई तो इनसे तो आपको पैसा मिल रहा है ना एम से तो ये क्लास एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ऑर्गेनिक फार्मिंग टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और ये ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में भी आ जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट काम करता है सॉइल हेल्थ पे रदर देन प्लांट हेल्थ आजकल क्या होता है इंसान चाहता है कि खेती बाड़ी में जल्दी आउटपुट पैदावार जल्दी बढ़ जाए मैं केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स है ना इन सब खाद वगैरह डाल के पौधे को उगाऊं उस पर बहुत ज़्यादा फल लगे आ, अनाज बहुत अच्छा हो कीड़े मकोड़े ना खाएं उसको और आउटपुट मेरी ज़्यादा हो ताकि मैं ज़्यादा माल बेच के ज़्यादा पैसे कमा सकूँ लेकिन इस चीज़ में भूल जाता है कि वो कितने सारे केमिकल मट्टी के ऊपर छिड़काव कर रहा है हवा के ऊपर छिड़काव कर रहा है तो उससे लैंड में जो है पॉल्यूशन होता है क्लास कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन भी होता है आपको पता है एयर पॉल्यूशन होगा तो लोग बीमार पड़ेंगे स पास के एरिए में कहीं कही ना कहीं आप आपको भी बीमारी होगी जानवर मरेंगे ये सब चीज़ें भी हो रही हैं साथ में है, बट लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्यों क्योंकि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर छिड़क के वो क्लास अपनी पैदावार को बढ़ा रहे हैं उनका मेन मोटो है आउटपुट को बढ़ाना राइट ऑर्गेनिक फार्मिंग इसी के खिलाफ है ऑर्गेनिक फार्मिंग कहता है भाई सॉइल हेल्थ की केयर करो अगर तुम सॉइल को खराब कर दोगे एक दिन तो एक दिन फसल होगी ही नहीं तो क्लास तुम क्या करोगे हवा में तो उगाओगे नहीं कुछ भी जब मट्टी खराब हो जाएगी मट्टी पर अनाज उगेगा ही नहीं तो क्लास पूरे कंट्री में क्राइसिस आ जाएगा पूरा देश, पूरा देश वर्ल्ड तबाह हो जाएगा सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इट इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन द सच एज क्रॉप रोटेशन तो ये कहते हैं क्लास क्रॉप को रोटेट करो राइट ऑर्गेनिक फार्मिंग में कहते हैं क्रॉप को रोटेट करो ग्रीन मैन्योर यानी क्लास जो नेचुरल खाद है वो डालो दवाइयाँ ना छिड़क के कॉम्पोस्ट आपने देखा हो गांव में लोग जो है वो खाना पीने का जो बच जाता है सामान उसको इकट्ठा करते जाते हैं गोबर वगैरह इकट्ठा करते चले जाते हैं एक जगह पे फिर उसको खाद की तरह यूज़ करते हैं ग्रीन मैन्योर उसको बोलते हैं है ना बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कीड़े मकोड़े मारने के लिए भी नेचुरल तरीके से ये सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर को अवॉइड करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस सेफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बाद जो फसल आती है ना फल आता है जो अनाज मिलता है ना वो टेस्टी भी रहता है हेल्दी भी रहता है और क्लास कोई साइड साइड इफेक्ट भी नहीं रहता उनका आजकल की सब्जियाँ मार्केट से खरीद के लाओ ना केमिकल की स्मेल आएगी है ना सड़ जाता है वो केमिकल की स्मेल आती है उसके अंदर टेस्ट नहीं रहता आम जो है वो पका दिए जाते हैं दवाई डाल के एक दवाई आती है उसको डाल के ना कच्चे आम को पका दिया जाता है दो दिन के अंदर अब जो आम पेड़ में पका है दस दिन में और जो कच्चा आम एक दिन में पका दिया आपने उसमें टेस्ट का बहुत फर्क रहेगा आपको अच्छा भी लगेगा नहीं और बीमार भी पड़ सकते हो अगर आपने प्रॉपर तरीके से धोखे नहीं खाया उसको तो ठीक है और सॉइल हेल्थ तो खराब होगी ही पॉल्यूशन भी होगा ये सब प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अवॉइड करता है खत्म करता है बेनिफिट क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड यूज़ द नेचुरल इन्वायरमेंट टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक तो नेचुरल है एग्रीकल्चर को ग्रो करेगा नेचुरल तरीके से विदाउट एनी साइड इफेक्ट टू लैंड और एनवायरमेंट इट प्रोड्यूस क्लास पेस्टिसाइड फ्री है ये एंड प्रोड्यूस एन एनवायरमेंटल एनवायरमेंट सस्टेनेबल वे तो इन्वायरमेंट को भी सस्टेन करता है ये और पेस्टिसाइड फ्री है क्रॉप डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन कन्वेंशनल फार्मिंग मास प्रोडक्शन वन क्रॉप वन लोकेशन फोकस वाइल ऑर्गेनिक फार्मिंग इज पॉसिबल टू ग्रो मल्टीपल क्रॉप इन सेम प्लेस ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ही जगह पे आप मल्टीपल मल्टीपल क्रॉप्स उगा सकते हो इसका बेनिफिट है इट इम्प्रूव सॉइल की फर्टिलिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है एंड फीड्स न्यूट्रिय टू सॉइल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है प्लांट को और सॉइल को दोनों को कहीं ना कहीं न्यूट्रंट देता है फीड्स न्यूट्रिय टू द सॉइल टू फीड द प्लांट अब सॉइल अगर अच्छा रहेगा मट्टी अच्छी रहेगी तो फसल भी अच्छी होगी पौधा भी अच्छा रहेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा सॉइल एंड इको सिस्टम लोगों की हेल्थ सॉइल की हेल्थ और हमारा इको सिस्टम ऑब्वियसली आपने

खत्म करता है ये सारे के सारे बेनिफिट है ऑर्गेनिक तो तो खेती बाड़ी नहीं करते पहला लोगों को अवेयर नहीं है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट फेल्ड इन प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंगिटी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोगों को भी बहुत ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं पता नहीं है इसीलिए तुम्हारे सिलेबस में डाला है ताकि आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को पढ़ सको कि एक्चुअली होता क्या है ऑर्गेनिक तरीके से जो सब्जियाँ उगाई जाती है ना क्लास उनको खा के आप हेल्दी फील करोगे बीमार भी नहीं पड़ोगे उनको खा के तो वो हेल्थ के लिए अच्छा है सॉइल के लिए अच्छा है पॉल्यूशन नहीं कर रहे तो हमारा इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूट नहीं हो रहा तो वो सारी चीज़ें क्लास अच्छी हैं लेकिन लोगों को उसका प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है दूसरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सरकार की तरफ से मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग फेसेस प्रॉब्लम्स इन इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का ना सरकार क्लास कोई फैसिलिटी देती है इसके लिए ना कोई सब्सिडी देती है इसके लिए जिसकी वजह से क्लास किसान जो है प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर पाते क्योंकि सरकार उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती ही नहीं ना उन पर कोई सब्सिडी देती है इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो स्मॉल अब देखो सुनो केमिकल तुरंत छिड़काव कर दोगे तो वो खरीद के लिए कर दिया आपने जल्दी काम हो गया लेकिन ऑर्गेनिक का जो नेचुरल ग्रीन है ग्रीन वेस्ट है या फिर जो नेचुरल फर्टिलाइजर है पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं उसमें तो समय बहुत लगता है और पैसा ही बहुत लगता है द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन इंडिया हैव बिन प्रैक्टिसिंग सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम दे वर्क क्लास लोकल और ओन फार्म रिनीबल रिसोर्सेज एंड कैरी ऑन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन एन इकोलॉजिकल फ्रेंडली इन्वायरमेंट हाउ एवर नाउ द कॉस्ट ऑफ़ द ऑर्गेनिक इनपुट आर हाइयर दैन दोज इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर सस्ते आते हैं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सस्ते आते हैं है ना तो वो स लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए चाहिए होता है वो सारी चीज़ें के महंगी आती हैं जो चीज़ें महंगी आती हैं ऊपर से उसका लोग वो महंगा भी होता है कॉस्ट बढ़ेगा तो सेल प्राइस बढ़ेगा लोग खरीदते नहीं अब मैं खरीदने आऊँ मान लो टमाटर एक टमाटर है अस्सी रुपये किलो एक टमाटर है मान लो, तो लो बीस रुपये किलो या तीस रुपये किलो तो नाइन्टी परसेंट लोग बीस या तीस रुपये किलो का ख़रीद के, के लिए आएंगे वो खरीदेंगे ही नहीं उसको तो वो वेस्ट जाएगा तो इसीलिए क्लास लोग जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते क्योंकि मेजोरिटी तो पॉपुलेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग की चीज़ें खरीदती नहीं क्योंकि वो महंगा पड़ता है इंक्लूडिंग अदर इनपुट यूज़ इन द कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम तो जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से खर्चा आता है ना वो कम आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का खर्चा जो है कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है एक डिमेंट और भी है लो आउटपुट इट इज अ लेसर आउटपुट इन इनिशियल ईयर्स एज कंपेयर टू द मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग एज अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फाइंड डिफिकल्ट टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग ना उसमें जो आउटपुट निकलेगा क्योंकि वो केमिकल नहीं है नेचुरल तरीके से कर रहे हो तो आउटपुट कम निकलेगा ऐसे आम नेचुरल तरीके से पकाओगे तो दस दिन फालतू लेगा वो और उस दस दिन में तुम्हारा सेल का नुकसान होगा तब तक लोग और आम खरीद चुके हों किसी और का तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि तुरंत लेके आओ फसल को तुरंत पकाओ तुरंत लेके आओ मशीन से पका देते हैं मशीन से मीठा कर देते हैं इंजेक्शन लगा के लाल कर देते हैं तरबूज को मीठा कर देते हैं ये सारी चीजें चलती हैं तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं हो पाएगा तो आउटपुट इसका लो है और शॉर्टर फूड लाइफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होता है नेचुरल तरीके से फूड को रखा जाता है या फिर जो फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है नेचुरल तरीके से रखा जाता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है शॉर्ट हो जाती है अगर आपने कभी एप्पल देखा होगा जो एप्पल महंगे एप्पल मिलते हैं दो सौ ढाई सौ तीन सौ रुपए किलो तो आप देखोगे उसके ऊपर क्लासिक प्लास्टिक की लेयर जैसी लगी रहती है जिसको आप ऐसे ये इसको वैक्सिंग बोलते हैं इसके ऊपर वैक्स लगा रहता है और ये वैक्स ऐसा वैक्स है जो क्लास इसको प्रोटेक्ट रखता है क्लास बाहर के एन्वायरमेंट्स और कई दिन तक ये एप्पल देखना दुकान में एज इट इज रखा रहेगा और नेचुरल एप्पल लेके आओ क्लास वो कुछ दिन में खराब

अगर आप केमिकल से या वैक्स लगा रहे हो इनमें या फिर प्रिजर्वेटिव डाल रहे हो इनके तक स्टोर रहे लंबे समय तक तो ये प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़ायदे और प्रॉब्लम मीनिंग मतलब इनसे चांसेस है कि आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली केस स्टडी के बेसिस पे कैसे भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाए तो इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना अगली क्लास में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे हमारा लास्ट पार्ट होगा आज का पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया बिकॉज बहुत सारी चीज़ें थी सीखने के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्लास नए टॉपिक के साथ टिल देन टेक केयर बाय अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है अच्छे से इस चैप्टर को खत्म करते हैं आप ही तीन पार्ट अच्छे से लर्न करके पढ़ के समझ के आओ अगले पार्ट में इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे टिल देन टेक केयर बाय बाय गॉड ब्लेस यू